Hey guys, welcome back to my channel. Good morning. आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी मतलब बहुत अच्छी नहीं हूँ, थोड़ा सा अच्छी हूँ। देखो मेरा हालत, मैंने आज फटा वाला नाइटी पहना है। सच बोलूँ तो मुझे, मैंने ये देखा भी नहीं कि ऐसे एक फटा वाला यहाँ पे फटा हुआ है, क्योंकि कल ना क्या हुआ था, मैं मार्केट गई थी और बहुत तेज बारिश आ गया था, फिर भी पूरे भीग गई थी। अच्छा, रात को आके मतलब 9 बजे के करीब आई थी और उस टाइम भीग गई थी बोल के नहा लिया। नहाने के बाद ना ये सामने पड़ा था और ये पहन लिया मैंने, और ये रात को पहना था तो देखा नहीं, इसका कलर भी फेड हो गया है। तो बहुत दिन का नाइटी है, क्या करूँ, पैसे वैसे है नहीं, इसलिए ऐसे पहनना पड़ा। तो आज का डेली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और अभी टाइम हुआ है 11:30 बजे, नहीं मेरा 11:30 अभी तक बजा नहीं, क्योंकि मैंने घड़ी को थोड़ा सा फास्ट करके रखा है मम्मा का स्कूल के लिए। और अभी काम का स्टेटस है, मैंने घर का जो सारा क्लीनिंग वगैरह का काम होता है, झाड़ू लगाना पोछा लगाना सारा कंप्लीट है। कपड़े भी मैंने बस इनको वॉश के लिए पानी ऑन कर दिया है। और ये जो कपड़ा था ना, ये पता है कल जो आप बारिश हो रहा था, मेरे हस्बैंड पहले आ गए थे घर में, उन्होंने ना सारे इकट्ठा एक जगह पे रख दिए थे, तो इस वजह से ये सुबह मुझे यहाँ पे देना पड़ा। और ये मैं वॉश के लिए अभी वॉश कर दूंगी, एक बार धो के आए और एक बार घुमा के फिर ड्राइंग के लिए दे दूंगी। और ये देखो मेरा खिला खिला सा पौधे, देखो कितना सुंदर सी लग रही है। My जान, my love, my heart, सब कुछ है। तो अभी आज खाने में क्या बनाऊंगी, सब्जी निकालूंगी, सब्जी निकाला नहीं है। और मेरा ये टेबल का हालत, ये बेड का हालत, रोज आप लोगों को दिखा दे करके मतलब आप लोग थक गए होंगे। और अभी तक देखो मैंने कुछ खाना वाना बनाया नहीं, मतलब कुछ भी नहीं किया, बस इसमें चावल डालूंगी, बनाना स्टार्ट करूंगी। हाँ, चिकन बनाऊंगी, ये फ्रिज में था तो मैंने निकाल के रख दिया है, क्योंकि बर्फ हो गया था, आइस जम गया था। तो कल जब मार्केट गई थी, मम्मा ने बोल लिया था, मम्मा आज मेरे लिए चिकन लाना, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम हुआ था हरियाणा गुड़गांव में, आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे हरियाणा के, मतलब कुछ मैं ब्लॉग में नहीं बताना चाहती हूँ जो भी है, तो उस वजह से ना सारे फीस चिकन के सारे शॉप बंद थे। अभी धीरे धीरे ओपन मतलब खुल रहा है, कल जब गई थी बस 2 चिकन शॉप खुला था, जबकि 8 से 10 चिकन शॉप है बस उसी छोटे से मार्केट में। और फीस वाले तो बहुत है, पर वहाँ पे एक ही बस बैठे थे कल, और आज से स्टार्ट करेंगे सारे बैठना, क्योंकि मैं बात कर रही थी कि ये लोग कब से आएंगे, तो उन्होंने बोला मैम कल से स्टार्ट कर देंगे। और बाकी जो एक बंदा है उनके साथ मेरा लड़ाई हो गया था, क्योंकि वो बहुत चीटर है। उनके पास में एक दिन गई थी फीस लेने, उन्होंने क्या किया था पता है, मतलब जिसमें वेट करते हैं ना, वो उनका 300 से 400 ग्राम वेट, और मैं उस दिन फीस ले रही थी 2 किलो। तो उन्होंने क्या किया, वो 300-400 ग्राम का उसका जो वेट है वो फीस के साथ वो तोल दी। अब मैं नोटिस कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा तो मुझसे लड़ने लग गए। फिर सच बोलूँ तो फिर मेरे पास ये जो जिसमें मैं वीडियो शूट करती हूँ वो वाला फ़ोन नहीं था, नहीं तो मैं शूट करके आपके सबके साथ शेयर करती। तो इस वजह से मैं उनके पास, चाहे मैं फीस लूँ या ना लूँ, कभी उनके पास मैं जाती नहीं। और मुझे सच बोलूँ तो मुझे इतना फीस पसंद नहीं है, मैं चिकन नहीं पसंद करती, पर मेरे हस्बैंड की वजह से फीस लाना पड़ता है, वो चिकन खाते नहीं। तो इस वजह से मैंने कल फीस नहीं लिया और बस चिकन लेके आ गई। तो अभी मैं इसका ये करूँगी, मतलब लंच का प्रिपरेशन जैसे एग्ज़ाम देने जा रही हूँ कि प्रिपरेशन करूँगी। तो अभी मैं बनाने जाऊँगी अपने लंच, क्योंकि हम लोग को पूछना पड़ेगा आज, शायद मुझे शॉप जाना पड़ेगा कुछ काम के। और मेरा दो दो न्यू न्यू बना, इतना सुंदर बना है, मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो।
तो मैं खाना बनाने आ गई हूँ। ये देखो चिकन का मसाला मैं रेडी कर रही हूँ, अच्छे से भून रही हूँ। ये मसाला जब रेडी हो जाएगा फिर इसके ऊपर मैं चिकन दे दूँगी। तो मैंने चिकन को पानी में मतलब ये फ्रिज से निकाल के ना मैं ऐसे पानी डाल के रख दिया था कि इसमें जो आइस है ये गल जाए। तो इसको मैं पहले पानी को झाड़ लूँगी और इसलिए ऐसे बेसिन में रख दिया और इसमें पानी मतलब चिकन को डाल दिया। थोड़ा सा अभी भी पूरा गला नहीं आई तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी ही दे रही हुई थी कि जल्दी जल्दी गल जाए। पर मैं बना रही थी थोड़ा सा हार्ड तो रह गया था पर वो बनाते बनाते हो गया था सही। फिर ये देखो इसमें मेरा सब्जी बन रहा है, हस्बैंड का जो गोभी आलू की सब्जी है। बाद में इसमें मैंने अंडा फ्राई करके दे दिया था, छौंका लगा दिया था और ये सब्जी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं ये बनाई थी। तो चलो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय।